हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और नॉन हॉस्टलर हैं तो फ़ी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। फ्रेंड्स, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, और वेबसाइट पर आपको क्राइटेरिया भी मिल जाएगा कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हर कॉलेज का अपना अपना फ़ी स्ट्रक्चर होता है, बट फॉर्मेट सबका सेम होगा। तो चलिए एक फॉर्मेट दिखाते हैं, उसमें क्या क्या लिखा रहता है और किन किन चीज़ के लिए आपको पैसा प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ी स्ट्रक्चर है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। इसके थ्रू मैं बताऊँगा किस किस चीज़ के लिए आपको पैसा मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो देखिए, फॉर्मेट इस तरह रहेगा। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट, ऊपर में स्टूडेंट का नाम लिखना होगा, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, उसके बाद नीचे कॉलेज का रजिस्टर का साइन और मोहर रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पैसा किस किस चीज़ के लिए मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले मिलता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्ज, यानी कि हॉस्टल चार्ज। देखिए, अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपका यहाँ हॉस्टल चार्ज लिखा रहेगा, यानी कि पर एनम कॉलेज का कितना हॉस्टल चार्ज है वो यहाँ लिखा रहेगा। बट अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो आपका कॉलेज जिस एरिया में है उसके अनुसार आपको पर मंथ 3500 से लेकर के 5000 के बीच में पर मंथ मिलेगा। तो देखिए, अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं तो जो सीरियल नंबर 1 है वो लिखा नहीं रहेगा, बट आपको पैसा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलेगा। जिस सिटी में आपका कॉलेज है उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। तो जो भी हॉस्टल का फ़ी है वो मिलेगा, और अगर हॉस्टल के बाहर रहते हैं तो आपको सिटी के अनुसार आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में बुक एंड स्टेशनरी, वो 10000 फिक्स है, सबको मिलेगा पर ईयर 10000। उसके बाद लैपटॉप फ़ी मिलेगा, फर्स्ट ईयर में 40000 और फाइनल ईयर में 40000। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपको 4 साल के लिए मिलेगा, और कोई और कोर्स कर रहे हैं तो जितना भी कोर्स ड्यूरेशन है उसके अनुसार मिलेगा। उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम फ़ी जितना है वो मिलेगा, ट्यूशन फ़ी जितना वो मिलेगा। जो भी फॉर्मेट रहेगा आपको कॉलेज के थ्रू मिल जाएगा, ये फॉर्मेट आपको कॉलेज में ही मिल जाएगा। बस आपको रजिस्टर से साइन करवाना है, मोहर लगवाना है और DRCC सेंटर में जा करके अप्लाई करना है।